Assalamualaikum. कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ, शकील चौधरी साहब और डमी म्यूजियम से तशरीफ लेकर आए हैं दो पुलिस अहलकार और शेख रशीद साहब। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जान? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ जनाब। बहुत बड़ा तुम्हारा फैन और यकीन कर कैनेडा तो आके तुम बिल्कुल हीरो टाइप हो गए हो। क्यों? ए शूज भी तुम फाइनली पाते ने, क्या कहने, ये कम से कम $3,00,000 दे होंगे। माशाल्लाह जनाब ने 6,00,000 कोई शर्टें ली है वहां से। हां जी, क्या कहने, 4G FSJ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਆਪਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ, ਕੋਈ ਹਮਨੇ ਫਨ ਕੀਆ ਵਾ। ਇਵਨ ਕਾਮ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਜਾਂ ਫਨ ਕਰਨ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾ ਨਾ। ਬਤਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਊ ਆਰ ਦ ਸ਼ੋਜ਼? ਕਿਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਰ ਐਕਸਲੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅ ਫਿਊ ਵਰ ਫੈਬੂਲਸ। ਥੀਸ ਆਰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਿਦ ਆਡੀਅנס। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦ ਆਡੀਅנס ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨਸ, full of competition, full of music and everything. Although the first show, which was actually huge show, mm-hmm. perhaps the biggest in our history, mm-hmm. that fell victim to a stampede. Oh, hey. A kind of a chaotic crowd. Wo kaise? Well, they were very enthused. Achha, zyada log aa gaye the. Wo itne log the ki, aur abhi itne hi bahar phir rahe the. Ye ji, tickets khatam ho gayi. Jab aap overselling karte hain na, लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये हमारे जो प्रमोटर हैं नासिर शाह की ये स्ट्रेटजी है। He says कि पहला शो इज अ मस्कुलर शो, वो मैंने सिर्फ मसल शोइंग करनी है। ठीक है, वो शो नहीं है, आपका एक तरह से वेलकम है, आपका स्वागत है अहले टोरंटो आपको। लेकिन कुछ लोग माइंड भी करते हैं कि यार हमने तो इसलिए नहीं किया था वो सारा सिलसिला। मैं ये अहद करके आया हूँ कि ये सिलसिला मैंने अब ख़त्म कर दिया। उन्हें मैंने गुजारिश किया कि जब आप शो अनाउंस करेंगे ना, लिमिट है उसकी 500 से ऊपर का हॉल ही नहीं होना चाहिए। सर जहाँ आवाज़ ही ना पता, हद नज़र लोग ही लोग हैं, जहाँ तो इतने बड़े मजमे तो बेहतर है कदाफी स्टेडियम कर लिया करें। आवाज़ पहुँचती है भाई, मुझे नज़र नहीं आते, एक्सप्रेशन नज़र नहीं आते, लोग बात करना चाहते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते, कैमरा वहाँ तक नहीं जाता इतनी दूर, 5 कैमरे लगे फिर रहे थे। हमें मदद पता किसकी लेनी पड़ी कि वॉलंटियर्स वहाँ पे जिन जिनके पास आईफोन था ना, उनसे मदद ली कि भाई आप पहुँचे और इनके क्लिप्स, क्योंकि हमने सारा डिजिटल फॉर्मेट है हमारा, डिजिटल के ऊपर इतना अलाउंस होता है कि हम इतना वो कॉकटेल बना लें, अदरवाइज नहीं होती। तो कैलगरी वॉज द बेस्ट, आवर करियर बेस्ट। कैलगरी हमेशा ही बड़ा वेल बिहेव्ड। ऑटावा वॉज ऑल्सो वेरी गुड, वैनकूवर वॉज गुड, एजैक्स वॉज वंडरफुल। जो अच्छा नहीं था ना वो एडमिंटन था। अच्छा, वाहिद शो जो अच्छा नहीं हो सका, क्यों? 3 दिन पहले वेन्यू चेंज करना पड़ गया। एंड यू नो व्हाई? आपस की पाकिस्तानी है ना, ग्रुप बंदियां, एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये, क्यों होता है? वो कहते जी हम अगर नहीं, अच्छा मॉन्ट्रियल में भी यही कुछ हुआ, लेकिन मॉन्ट्रियल चूंकि हम अलविदाई गपशप करना चाह रहे थे, वेरी लिटिल ऑडियंस, वो आपस की ऑडियंस थी, इट वॉज नॉट इवन अ कमर्शियल शो, तो हमने बहुत मजे से गपशप। बेस्ट पार्ट था यूनाइटेड स्टेट्स में जो मेरी मीट एंड ग्रीट, उसमें शो शू नहीं था, लेकिन दैट वाज वेरी गुड। ये जो डॉक्टर्स की गैदरिंग थी ना न्यूयॉर्क में, दैट वाज वेरी गुड। नॉट अपना, अपना नहीं, वो ऑलमोस्ट अपना वाले थे सारे। अपना में तो सर फिर ये हो जाता ना कि एक तरह से वर्कर वीजा चाहिए था वहां पर, तो हमने परफॉर्म करना था। मैंने $50,000 की कुर्बानी दी है। ਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈ ਕਸੌਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਫੇ? ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੀ। ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਐਸਐਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੇ ਹਮਜ਼ਾ ਕੇ ਸਾਥ ਕੈਸੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ। शाका ने पहले ही कह दिया था आफ्ताब, नविश्ता दीवार था। वाह, शाका से भी पहले कातिब ने लिख दिया था। बहरहाल आप जाए ऐश करे जी, बिजनेस करे। कौन सा बिजनेस? कुकड़ियों का। नहीं, ये नहीं करते। और रेट इतना हो गया, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। अरे शेख साहब ने 6 दिन लाके बात सीखी जनाब।
सबसे अच्छी आवाज मुर्गी की अगर मैंने सुनी है ना तो अल्लाह रखा पेप्सी से। जिसने परफॉर्म किया, जिसने परफॉर्म भाई कमा अमर हो गया, उसने इजहारे यकजहती को इमोर्टलाइज कर दिया। 3 साल तो आवाज काट रहे, तुहानू पता पॉपुलर होने होई जी ओदी। मियां नवाज शरीफ ने कहा भाई क्या बात है, आज इस पार्टी का मंशा पैदाइश पूरा हो गया। अल्लाह रखा पेप्सी तो यतीम चुड़ैल हुंदी। ओ घबरा गया बेचारा, ओदे इंटरव्यू हो रहे अजकल, उन्हें पूछ रहे ने कि तू केड़ी पार्टी नाल, कहंदा जी मैं ना पीटीआई ना ना नून लीग ना, मैं तो शादी ब्याहां दे प्रोग्राम करदा सी। मैनू यार दोस्त कहंदा धक्के ना चुके लै गए ने कि जी ओ तेरा 10 मिनट लाने ने, मैं कहंदा हिट हो गया। ओ हिट हो गया, जिहड़ी पार्टी लै के गई सी ओ शिट हो गई। यार प्लीज ना मुनासिब अल्फाज हैं। कितनी दफा आपसे कहा है इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल। भाई जान मेरी गल सुनो, शेख साहब दे नाल असी सिक्योरिटी दे दे के थके बब्बू। आजकल मैं ना टीम को शफल करने के चक्कर में हूँ। शफल अपने हल कर रहे हैं, दूर इंसान बन जाओ। इस तरह के अल्फाज बार बार तुम, मैं एडिटिंग के दौरान तुम्हारी हर तीसरी लाइन में 2 साले होते हैं। की करा, अल्लाह ने दिते ही है ने। 16 साले थे मेरे कोल ने, मौजूदा 3 मर गए, और जो 3 मर गए वो बहुत खपाते थे। नहीं बाकी ये बताओ कि कितने बहन भाई हो तुम? असी माशाल्लाह 13 भैन भरा, और अभी 2-3 फारिग हो गए। अजय सिर्फ एक हो यार। इस कदम मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि जिस मायूसी का नहीं, सारे ने जाना, मैं उसमें ही दस रहे हैं। इसका दादा याद है ना, 117 साल वाला दादा, वो अमृतसर से पैदल लाहौर आया करता। और वो बरात ना आंदा होना। अच्छा जी कसौटी शुरू करें जी। नहीं जी अभी बड़ा टाइम है, पैदल से याद आया पेट्रोल कहाँ चला गया, देखें डॉलर कहाँ चला गया मेरे भाई। पेट्रोल छोड़े, जज साहबान उस दिन मुझे बड़ा प्यार आया उन पे जब उन्होंने कहा कि यार हम खुद इफेक्ट हो रहे हैं, हम भी तो तनख्वाह लेते हैं, हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं, हमारे भी तो खर्चे हैं। महंगाई ने हिला के रख दिया पूरे मुल्क को, तो क्या ये सब कुछ हमने किया? और सर वैसे जो इजहार अफसोस करने वाली बात है, क्योंकि उसके बाद मुझे तो मौका नहीं मिला, मेरा तो शर्म से सर झुक गया जब मैंने मरियम नवाज की गुफ्तगू सुनी। कमाल है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कमाल। और वो पीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं समझता हूँ इसमें कनाइवेंस है प्राइम मिनिस्टर की। बिल्कुल है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैसे हो सकती है? इस पर अबेटमेंट करके केस बनता है तौहीन अदालत का। आइए जी कसौटी की तरफ आए जी, अपने चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मखदूम नाजिम हाशमी है जी। हाशमी साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। वेलकम टू द शो। शुक्रिया। अच्छा जी हाशमी साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर मर्द। जिंदा? नो। एशियाई? यस सर। ताल्लुक साउथ एशिया से? यस। पाकिस्तान से? हाँ जी सर। एक पाकिस्तानी शख्सियत जो जिंदा नहीं है। शकील साहब जी, योर विटनेस। जी सर। हाशमी साहब इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 25 साल से ज्यादा? नो। 25 से कम? 1997 के बाद। एक और नैरो करते हैं, 25 से भी इसको कम भी ले आए, 10 पे ले आए। हाशमी साहब 10 साल से ज्यादा? जी सर। 10 साल से? 10 से ज्यादा तो 2012 से पहले। 2012 से पहले? 97 से 2012 से 2012 जी। अच्छा जी अब शोबे पे आते हैं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? नो सर। इल्म व फजल से ताल्लुक? नो सर। शोबिज से ताल्लुक है भाई? जी सर। जी सर। ओके 11 सवाल। 97 से 2012 एक शोबिज इनका ताल्लुक, ताल्लुक सुबह सुबह डिटरमिन कर लें अभी तो नहीं किया। हाँ जी। ताल्लुक पंजाब से? नो सर। अदर मुनीर भी है? नहीं, मुनीर हो चुका है। हो चुका है। और ये ताल्लुक सिंध से, तो सिंध से मोस्ट प्रोबेबली आर्टिस्ट, ये टीवी आर्टिस्ट। ताल्लुक सिंध से? जी जी सर। कोई बड़े अदाकार हैं? नो सर। मौसीकी? मौसीकी है, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। वजह शोहरत मौसीकी है? यस सर। 15 questions। अच्छा एक तो मौसीकार है अलन फकीर जी जी, उसमें उस पीरियड में आते हैं उम्मा हुम्मा कर भैया। और क्योंकि ये ऑफ बीट किस्म के अनऑर्थोडॉक्स म्यूजिशियन है, मेरा ध्यान बार बार जाता है क्योंकि वो बात की
वो एक वारदात थी अमजद साबरी की तरफ, बहुत बड़ा टैलेंट, बहुत बड़ा आदमी, 2012 के हमने किसकी नजर कर डाला तो, और उनके जो लास्ट जो रिपोर्ट हुए उनके लव्स कि मुझे क्यों मार रहे हैं, वो भी क्यों क्यों उन्होंने पूछा क्यों मार रहे हैं। यस अफसोस सद अफसोस जी, एक तो हो गया अल्लन फकीर, दूसरे मेहदी हसन खान भी इसी लैंग्वेज पे आ जाए, मेहदी हसन खान ठीक है फिल्मी सर, प्लेबैक सिंगिंग, प्लेबैक सिंगिंग अगर है फिल्मी तो फिर तो उर्दू ही है, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो हबीब वली मोहम्मद वो ही डाइड मच रिसेंट, वेरी रिसेंट, मुझे अब वो उस हिसाब से चलने देना, क्रोनोलॉजिकली मैं आपको बताता चला जाऊँ। एंड हबीब वली मोहम्मद डाइड इन द यूएस, ही डाइड इन द यूएस। और कौन से मेल सिंगर्स इन, नहीं जी मेल सिंगर्स ये तीन मेजर, वजह शोहरत जो है वो ओक से तो आप एलिमिनेट कर देंगे, प्लेबैक सिंगर थे क्योंकि अलन फकीर नेवर प्लेबैक, बिल्कुल। अच्छा जी हाशमी साहब प्लेबैक सिंगर थे? नो सर। ओके नो, तो नो नो मेहदी हसन खान, नो अहमद रुश्दी, नो अहमद रुश्दी, फिर आ गया सवाल हो गए अलन फकीर की तरफ ही जा रही है, और भी सोच लेते हैं, अरफाना, अरफाना करा कुछ और सोचें भैया। 16 हो गए जी सवाल, 16 और देखते हैं। प्लेबैक नहीं है इसका मतलब ये है पॉप है, और आमिर जकी डाइड मच लेटर, ये ना कोई डायरेक्टर पूछा हो, नहीं जी सिंगर हमने पूछा, वजह शोहरत सिंगर रिटायरमेंट हो चुका ना, हमने नहीं वजह शोहरत मौसीकी है, हमने ये नहीं डिटरमिन किया कि ही इज अ सिंगर, ये नहीं डिटरमिन किया, सिंगर को डिटरमिन नहीं हुआ ना अभी, आपने बस मौसीकी का पूछा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज अ सिंगर। और कौन है फिर अगर, तो ये अगर डायरेक्टर है म्यूजिक डायरेक्टर तो फिर निसार बज़मी, ही कम्स फ्रॉम कराची, द ओनली वन, पहले वहाँ थे फिर यहाँ आए, सेटल हुए, नूरजहां के साथ झगड़ा हुआ, वापस चले और वहीं रहे, उन्होंने हो भी 5 साल गए, और ये टाइम वही है उसी में आ रही है टाइम, आई रिमेम्बर बिल्कुल, ये उनकी फिल्म पंजी नहीं, उन्हें 20 से भी कम हुआ है। लेट्स आस्क म्यूजिक डायरेक्टर हाशमी साहब, वाज़ ही अ म्यूजिक डायरेक्टर? नो सर। नो सिंगर है कव्वाल, साबरी साहब, साबरी साहब भी हैं कव्वालों में, साबरी वेरी इंपॉर्टेंट, साबरी साहब ही हैं, कव्वाल वही हैं और फोक सिंगर अलन फकीर, अब दोनों में टाई है इसमें, ठीक हो गया बिल्कुल कव्वाली में, क्यों जी वजह शोहरत कव्वाली है? नो सर अलन फकीर, देन इट इज इन ऑल प्रोबेबिलिटी। 18 सवाल, वजह शोहरत सिंधी आरफाना कलाम है? यस सर। आपने अलन फकीर पूछा है, अच्छा ये बहुत से लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान में 1979 में एड एशिया कांग्रेस हुआ था, तो एड एशिया कांग्रेस बहुत बड़ी एक आई अटेंडेड इट, हाँ उससे पहले क्योंकि वो कांग्रेस जो है या इस किस्म का जो इवेंट होता है उसको विन करना पड़ता है, तो कोरिया में कांग्रेस हो रही थी और पाकिस्तान ने वहाँ बिड की थी, प्रेजेंटेशन की थी, और पाकिस्तान के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया था और आई थिंक सिंगापुर था, तो पाकिस्तान ने वो जीती थी बिड सिर्फ अलन फकीर की वजह से, क्योंकि अलन फकीर को साथ लेके गए हुए थे, तो जो जहाँ पर वो कन्वेंशन हॉल था जब वो डेलीगेट्स बाहर निकलते थे तो वो अपना वो एक तारा लेके उनके सामने वो खड़े होते थे और वो उनके लिए बजाना शुरू कर देते थे, वो जो डेलीगेट्स है वही वोट करते हैं, उन्होंने कहा वहाँ जाना है जहाँ से ये आया हुआ है, पाकिस्तान जाना है हमने, एंड दे केम टू लाहौर, और लाहौर में बहुत ज़बरदस्त कांग्रेस हुई थी, क्या बात, लाहौर का माहौल था सारा, उसका जो फिनाले था वो कोर्ट में हुआ था, और पहली दफ़ा फूड स्टॉल्स लगे थे कि जी आपके सामने जो है ना उसी वक्त वो वहीं पकाया जा रहा था और खिला रहे थे, और फिर सारे डेलीगेट्स के लिए फानूस बनवाए थे ताकि वो फानूस को लाइट अप करके तो उन्होंने आसमान में छोड़े थे, अच्छा अलन फकीर साहब, और वो बेचारे ट्रेन में गाया करते थे, हाँ वहाँ से किसी ने देखा और उनको टीवी पे, अच्छा इनका फकीरों का ये बड़ा इंटरेस्टिंग है,
कि वो खाने के लिए पैसे नहीं देते, उनको मुफ्त खाना मिलता है जहाँ वो मर्जी जाके बैठ जाए। सिंध में मैं तो आप कितनी देर बढ़ के मांगता रहा अल्लाह फकीर तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी हुम्मा हुम्मा कर भैया हुम्मा हुम्मा तड़क रे धूम। व्हाट अ लेजेंड। नेक्स्ट चैलेंजर जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर सोहेल। आप भी लेफ्ट हैंडेड है? नो सर, मैं राइट हैंडेड हूँ। ओके, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी उकाड़ा से। अच्छा जनाब, आमिर साहब शख्सियत मर्द है? यस सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? यस। ताल्लुक जनूबी एशिया से? नो सर। एशियाई है जो इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है? इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। इंटरेस्टिंग। मिडल ईस्ट है जी? मिडल ईस्ट प्रोबेबली। अच्छा जी, ताल्लुक आमिर सोहेल साहब मिडल ईस्ट से? यस सर। ईरान या टर्की? ताल्लुक जी ईरान से है? नो सर। टर्की से है? नो सर। नो सर, टर्की भी नहीं। ये सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया भाई। इरा पे अगर जाएं ये जो है ना आपके ताजिकिस्तान, नहीं तो फिर ये मिडिल ईस्ट किधर से हो गए? हाँ मिडिल ईस्ट नहीं है ये तो सेंट्रल एशिया। वो तो कह रहे हैं मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट है। पर्सनालिटी दैट इज नॉट अलाइव, मिडिल ईस्टर्न, इराक। नहीं सर, ये पूछना पड़ेगा कि पर्शियन गल्फ के ऊपर जो ममालिक है ना, उसी से या उसका इरा जो है, पहले ज्योग्राफी का डिटरमिन कर लेते हैं। ज्योग्राफी डिटरमिन होगी ना तो मुल्क डिटरमिन हो जाएगा। आइदर इट इज इराक और कुवैत, क्योंकि इराक की बड़ी हिस्ट्री है ना, मेसोपोटामिया बहुत पुरानी कदीम। सर इराक में तो आप कहाँ से शुरू करते हैं? और ये रीसेंट, इवन रीसेंट हिस्ट्री में बेशुमार लोग। ये मुल्क भैया पर्शियन गल्फ के ऊपर है? यस सर। इराक, दिस इज इराक बाय ऑल मींस। ठीक है, ताल्लुक इराक से है? यस सर। कितने सवाल हो गए? नौ सवाल। नौ। आइए जी अब ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड शिफ्ट पे आ जाए। आमिर साहब इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। नो सर। 1972 के बाद? 72 के बाद सदाम हुसैन भी हो सकता है। अब्दुल करीम कासिम क्यों नहीं हो सकता? अब्दुल करीम कासिम तो पहले नहीं था इससे? नहीं सर, सदाम ने उसको सक्सीड किया था। अब्दुल करीम कासिम इनकलाब वो लेकर आया था, सदाम हुसैन, बाथिस्ट पार्टी, बाथिस्ट पार्टी, फिर तारिक अजीज, फिर केमिकल, केमिकल अली, केमिकल अली भी है, और फिर उदय, उदय सदाम, उदय सदाम, उदय सदाम। लेट्स डिटरमाइन ना कि जी ये सियासत और हुकूमत है ना, वही होगा सर, डेफिनेटली सियासत और हुकूमत होगा। 25 साल किया जाए? नहीं सर, आप 20 पे आ जाएंगे। इंतकाल को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं? तकरीबन तकरीबन। सद्दाम? सद्दाम नहीं, नहीं, नॉट 2002, सद्दाम इज लेटर, कम है, 2000 आई थिंक 4-5 के करीब है, क्योंकि उसको दो तीन साल, 20 साल ही हो गए ना, तकरीबन 20 साल ही हो गए। हाँ बस 5 का मार्जिन तो हम देते हैं। 20 साल 2002 बनता है ना? नहीं सर, एग्जैक्ट तो वो नहीं ना। तो एक तो ये है कि जी उसकी हैंगिंग थी, ठीक है ना, तो फांसी दी गई थी। दूसरा ही वॉज द प्रेजिडेंट, अभी तक हमने उस पर हम नहीं आए हैं सियासत और हुकूमत पे। आ जाते हैं, आ जाते हैं। इराकी कोई और देखें इनके अलावा? और दो, दो बड़ी शख्सियात हैं, तारिक अजीज और सद्दाम। सद्दाम। क्वेश्चंस डॉक्टर साहब कितने हो गए? सर 11 सवाल। आमिर साहब ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? यस सर। मौत इनकी वायलेंट थी? यस। फांसी दे के मारा गया? नो नो नो, इट इज नॉट सद्दाम, इट इज नॉट सद्दाम। 14 सवाल। मुझे वो लग रहा है वो जो आपका अलकायदा वाला है ना? नो 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 नो, सद्दाम नहीं है। उसके साथ ये बताइए कि उदय कैसे मरा था?
उदय डाइड वायलेंटली उदय डाइड विद अ गन जो था सर डाइड विद अ गन इन हिज हैंड उसकी उम्र डिटरमिन कर लें कि वो 50 साल से ज्यादा था कम था ये शख्सियत 50 साल से ज्यादा उम्र की थी नो सर अब हाथ में इट इज उदय कितने सवाल हुए 15 questions ये किसी बहुत बड़े हुकूमती अहदेदार के साहबजादे थे यस सर जिसके ऊपर मशहूर फिल्म बनी है डेविल्स डबल यस आपने उदय सद्दाम हुसैन पूछा उदय जो है वो उसका वालिद जो है सदाम उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था इराक में और उसकी वजह से उसकी जो हरकत थी वो भी उसी हिसाब से थी इंतहाई घटिया औलाद होती बिगड़ा है बिगड़ा हुआ था लेकिन इस पे बाप जितना शर्मिंदा गया ना शायद ही कोई और गया बिल्कुल और ही वॉज नॉट ओनली अ मर्डरर ही वॉज अ रेपिस्ट वेरी वेरी रूथलेस पर्सन जी कुत्ते की मौत मरा फिर कहने ने अपना डबल भी बनाया सी जी वो तो इसके बाप ने बनाए बनाए हुए थे जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका मोहम्मद अजीम अजीम साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका लाहौर से वेलकम टू द शो अजीम साहब शख्सियत मर्द है जी सर जिंदा है जी सर एशियाई है जी सर साउथ एशियन यस पाकिस्तानी नो सर नो इंडियन जी सर एक जिंदा हिंदुस्तानी मर्द बड़ी बात है जी कितने सवाल हुए जी 5-6 6 सवाल अच्छा जी शोबे पे आ जाए सीधा सीधा ताल्लुक शोबिज से है जी सर ठीक है जी शोबिज से है एक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं पूछेंगे भाई एक्टर एक्टर पूछेंगे और एक्टर ही पूछेंगे वजह शोहरत अदाकारी है भैया यस सर अदाकारी हिंदू मुस्लिम मुसलमान है जी सर खान आ गए ना आपके आमिर खान आ गया सलमान आ गया शाहरुख आ गया अरबाज आ गया वजह शोहरत बतौर हीरो है जी सर 10 सवाल अच्छा जी अच्छा जी अगर तो आमिर खान है आमिर खान है तो उसकी फिल्म नॉमिनेट हुई थी उसका टेलीविजन का प्रोग्राम भी है उसका तो टेलीविजन का बहुत प्रोग्राम अच्छा तो उसका भी है सर सलमान का भी था सलमान का भी और शाहरुख का भी था टेलीविजन की तरफ मत जाइएगा ठीक है फिल्म की तरफ तो नॉमिनेट सिर्फ लगान हुई है लगान इनकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी एज अ फॉरेन मूवी नो सर तो लगान नहीं है इसका मतलब आमिर खान नहीं है आमिर इज आउट ठीक है जी सलमान रह गया शाहरुख रह गया और तीसरा कोई और भी मुस्लिम कोई देखें नहीं फिरोज खान था नवाजुद्दीन था नवाजुद्दीन सिद्दीकी बट वो हीरो नहीं हीरो भी आता नहीं वो सैफ उस लेवल पे नहीं सैफ अली खान नाम के साथ अगर हम खान कहें तो सैफ अली खान भी आ जाता अच्छा जी नाम के साथ खान का टाइटल लगता है जी सर अच्छा अब सेक्रेट गेम्स की तरफ जाइए हाँ उसको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना सेक्रेट गेम से भी कर सकते हैं और पटौदी की तरफ पटौदी से भी कर सकते और वालदा की तरफ से भी कर सकते हैं वो जौजा की तरफ से भी कर सकते तो ये चारों सवाल एक साथ कर क्वेश्चंस कितने हुए डॉक्टर साहब 12 अच्छा सेक्रेट गेम्स में दोनों थे हाँ ये दोनों थे नवाजुद्दीन से देखिए अच्छा जी सेक्रेट गेम्स के साथ ताल्लुक था नो सर ये दोनों निकल गए नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी निकल गया सैफ भी निकल गया सही है नाउ यू आर लेफ्ट विद टू शाहरुख खान क्या बात मोस्ट प्रोबेबली दिस इज सलमान खान ठीक है सलमान की मूवीज जो है एक तो वो है ना दबंग बस दबंग नहीं सर शादी नहीं की ये भी एक क्वेश्चन हो सकता इज ही मैरिड नो सर अच्छा नहीं एक और आते हैं ना उसमें हिरन मारने पे चिनकारा हिरन मारने का पर्चा हो चुका है इनके ऊपर यस सर अच्छा एक और पर्चा भी हुआ था मुबैना तौर पे सोए हुए फुटपाथियों के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी वो यस सर सलमान खान पूछा जी आप सर
अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं जो कि पहले भी बहुत दफा आ चुके हैं और आपको टफ टाइम देके ओल्ड फ्रेंड वलीद. यस, वी हैव वलीद विद अस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वलीद, वेलकम. थैंक यू. वलीद साहब, शख्सियत जिंदा? नो सर. मर्द है? जी सर. एशियाई है? जी सर. ताल्लुक साउथ एशिया से? जी सर. एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक साउथ एशिया से, तो अब इराक नहीं, इंडिया पाकिस्तान. सर इरा आ जाएगा ना, 100 साल इरा हो जाएगा तो इंडिया पाकिस्तान. ठीक है, ओके. वली साहब, इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर. नो सर. 1922 के बाद 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? नो सर. 1972 के बाद. ताल्लुक इंडिया से? जी सर. अच्छा जी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, इल्म और फजल से, क्योंकि शोबिज शोबिज से भाईजान नहीं पूछे. वलीद का इल्म और फजल. ताल्लुक इल्म और फजल से है भाई? नो सर. सियासत और हुकूमत से? नो सर. नो. शोबिज एंड स्पोर्ट्स, बिग बिजनेस. वकील साहब, 25 साल का किया जाए फिर. 25 साल पे आए, ठीक कह रहे. इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं वलीद साहब? नो सर. 1997 के बाद. 1997 के बाद. और 10 सवाल. सियासत और हुकूमत नहीं, इल्म और फजल नहीं, सियासत और हुकूमत नहीं, तो सीधा सीधा शोबिज है, शोबिज और स्पोर्ट्स है, और बिग बिजनेस भी है, टेक्नोलॉजी भी है. टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े लोग हम कर चुके हैं, बिग बिजनेस भी हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं. सियासत और हुकूमत नहीं है, तशवीशनाक बात यह है. शोबिज मुझे थोड़ी सी हंच है बिग बिजनेस की. लेकिन बिग बिजनेस में कौन सा बंदा इस अरसे में फौत हुआ है? धीरू भाई अंबानी. अच्छा, अंबानी के वालिद. स्पोर्ट्स, शोबिज, स्पोर्ट्स, शोबिज. शोबिज टीवी का कोई बंदा हो सकता सर? टीवी का भी हो सकता. कोई अहम शख्सियत. सुभाष इज स्टिल अलाइव? सुभाष, हु? सुभाष चंद्रा. चंद्रा, हाँ, जी वाला ना, ही इज अलाइव. एंड हिज ब्रदर गोयल. शेर जी, शोबिज का पूछ रहे हैं. लेट्स आस्क. स्पोर्ट्स पे. स्पोर्ट्स पे है. स्पोर्ट्स ही शोबिज के अलावा पॉसिबिलिटी है. वलीद साहब, इनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? जी सर. जी सर. ओके भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਗੈਬੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਏਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਏਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ. ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਬਸ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਜਾਏ. ਸਪੋਰਟ ਕੌਨ ਸਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ? ਦੇਖੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਹੈ ਬੜੀ. ਹਾਕੀ ਕੀ ਲੈਜੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਿਆਨਚੰਦ ਹਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੈ. ਹਮ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਟਾਈਗਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ. ਫਿਰ ਹਮ ਹਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ. ਹਾਂ, ਚੰਦਰਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤਪਾਲ. ਅਜੀਤਪਾਲ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਫਾਰਵਰਡ ਥਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਥਾ, ਕਮਾਲ ਕਾ ਫਾਰਵਰਡ. ਫਿਰ ਆਪਕਾ ਰਨਰਸ ਵੀ ਥੇ ਨਾ? ਰਨਰ ਵੀ ਥੇ. ਬਿਲਕਾ, ਉਹ ਬਿਲਕਾ, ਮਿਲਕਾ, ਮਿਲਕਾ, ਮਿਲਕਾ ਸਿੰਘ. ਮਿਲਕਾ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅਲਾਈਵ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ. ਮਿਲਕਾ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ. ਮਿਲਕਾ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਉਹ ਜੋ ਥਾ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਡਾਕੂ ਬਾਦ ਮੇ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ. ਤੋਮਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਮੇ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਹੈ. ਲਾਲਾ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾ ਕੈਪਟਨ ਇੰਡੀਆ ਕਾ. ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰੀ ਐਂਡ ਅ ਲਾਹੌਰੀ ਬਾਟੀ ਗੇਟ. ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਵਾਸ ਦ ਫਸਟ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਫਸਟ ਸੈਂਚਰੀ ਫਸਟ ਸੈਂਚਰੀ ਮੇਕਰ ਆਲਸੋ ਫਸਟ ਸੈਂਚਰੀ ਮੇਕਰ ਯਾ ਵਜੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਭਈਆ? ਜੀ ਸਰ. ਓਕੇ, लाले की तरफ आए. भाटी गेट लाहौर. ताल्लुक लाहौर से है? जी सर. इनके दो बेटे टेस्ट क्रिकेटर्स थे? जी सर. लाला अमरनाथ पूछा. वाह वाह. वैसे जादूगरों के शो च आ गए हैं. चले अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ. जी बिल्कुल जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? अमा कपूर. सामा साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं लाहौर से ही. वेलकम टू द शो. जी उसामा साहब, शख्सियत मर्द? नो सर. शख्सियत जिंदा? जी. एक खातून जो जिंदा जिंदा है. ताल्लुक एशिया से भैया? जी सर. तो गोया पाकिस्तान से? नो सर. इंडिया से? जी सर. एक हिंदुस्तानी खातून जो जिंदा है, जिंदा है. और ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो सर. शोबिज से?
जी सर। जाहिर अदाकारा है, वजह शोहरत अदाकारी है? जी सर। वो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं सर, नहीं ज्यादा है, नैरो डाउन वो एरा पे जाएंगे ना। वजह शोहरत अदाकारी और हेरोइन के तौर पे मशहूर थी? जी सर। चुनाचे हेलन शेलन तो निकल गई, निकल गई वो ईरानी चिरानी निकल, सारी वैम्प्स निकल गई। नहीं वो वैम्प नहीं, वैम्प्स भी सारी निकल गई, हेलन डांसर थी वो भी निकल गई। बट हेलन ऑल्सो नॉर्मली वुड प्ले द वैम्प ना, शी नेवर प्लेड द वैम्प। ओ हां, बहुत सी फिल्मों में। अच्छा, वो मुंसलिक था ना। हां ठीक, वो ट्रायंगल में आ जाती थी। अच्छा जनाब, 80s की हीरोइन जिंदा है? परवीन बॉबी वगैरह कोई नहीं? परवीन बॉबी एक तो खैर श्रीदेवी डाइड। भाई पहले तो ये कर लेना कि जिंदा है, जिंदा है, जिंदा तो है, जिंदा है। माधुरी इज देयर, परवीन बॉबी इज नॉट अलाइव, श्रीदेवी इज नॉट अलाइव, दिव्या भारती इज नॉट अलाइव, दिव्या भारती इज नॉट अलाइव, मधुबाला इज नॉट अलाइव जी, नरगिस इज नॉट अलाइव, मीना कुमारी इज नॉट अलाइव, मीना कुमारी इज नॉट अलाइव। अब आ गई आपकी ये करीना रजनी गंगा, वो भी नॉट अलाइव। आपकी करीना आ गई, कपूर आ गई ना, जो विद्या सेना, विद्या सेना उसका नाम, वेरी ब्यूटीफुल बट नॉट अलाइव, ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। क्या बात। अच्छा जी, क्या बात है, अनुपम को भी पता है, ऑस्ट्रेलिया चले गई यार। रेखा, रेखा, रेखा तो वेरी मच अलाइव, वेरी मच अलाइव, एटलीस्ट इन समवनस ड्रीम्स। मुमताज, करवटें बदलते रहे, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे ने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, चर्चे हर जुबान, रामाचारी, रामाचारी, शंकर जयकिशन। आपको पता है मैंने मुमताज से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो करवाया था यूके में, यूके में, और इतना मुश्किल काम था, शी वाज कंप्लीटली एम्प्टी, एक एक लाइन बतानी। क्यों, क्या रह चुकी थी? नहीं थी ऐसी, देख लें। इसके साथ भी उन्होंने राम और श्याम, कितनी बड़ी फिल्म की है ब्रह्मचारी की। अच्छा जी, आपकी कसम साउथ इंडियन, फिर साउथ इंडियन भी है लेकिन ये काफी जो है वो साउथ इंडिया से है। साउथ से होगा तो हेमा मालिनी, हेमा है, एंड वो दूसरी माधुरी कौन है? माधुरी, हेमा मालिनी, तीसरी डांसर मीनाक्षी, मीनाक्षी शेषाद्री। या मौला, जाओ जी, उन्हें दिल लग गया आपस जी, हजार साल पुराने बंदियां का भी पता है, शहनशाह का भी पता है, शहनशाह मीनाक्षी। तुसी 10 मिनट सौं जाओ, शख्सियत जिंदा है। लगता है शकील साहब आपको हीरोइनों में इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ी बहुत है। अच्छा, हीरोइनों कहने की बजाय आप हीरोइंस क्यों नहीं कहते? देखिए मुझे ऐसा नहीं, हीरोइनों में आती है। अच्छा सर ये बताइए कि ये 80s से शुरू करें या 90s? प्राइम टाइम इनका 80s था, 90s था, ऐसे बात हो सकती है। यस, शबाना आजमी भी है, शी इज देयर अलाइव। इनका प्राइम टाइम 80s था? नो सर। 90s था? नो सर। प्राइम टाइम 70 था? नो सर। प्राइम टाइम उनका 60s है? यस सर। कितने सवाल होंगे? वहीदा रहमान, वहीदा रहमान, शी इज द ओनली लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। अच्छा, वहीदा रहमान और कौन है उस पीरियड से? देखा जाए अगर तो उसी दौर में, फिर लेकिन प्राइम टाइम बाद वालों का आ जाता है। वहीदा रहमान है सर? नहीं नहीं नहीं, प्राइम टाइम अगर 60s है ना, तो फिर वहीदा रहमान इज द ओनली ऑप्शन। वी आर लेफ्ट विद वहीदा रहमान। गाइड की हीरोइन? गाइड की हीरोइन। क्यों जनाब? बिल्कुल। दिल दिया दर्द लिया की हीरोइन? बिल्कुल। और तो मुझे समझ नहीं आ रही कोई। चौदहवीं का चांद की हीरोइन? बंदे केड़े टाइम पढ़े रहे तीनों ही। फिर गाइड की हीरोइन थी? जी सर। साड़ी इनकी बड़ी पहचान थी? जी सर। इनके वालिद कस्टम ऑफिसर थे? जी सर। वहीदा रहमान पूछा आप? बिल्कुल सर। वहीदा रहमान के साड़ी का मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि वो साड़ी बहुत पहनती थी, स्टिल पहनती हैं, पहनती हैं, उनका फेवरेट ड्रेस था। माय मदर यूज्ड टू वेयर साड़ीज, तो मुझे बड़ा था कि मेरी बीवी जो है वो साड़ी पहनेगी। तो मैंने फ्रॉम अ वेरी यंग एज मैंने साड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू की। अच्छा, मेरे वालिद के कज़न थे जो इंडिया में, ही वॉज एन एक्टर, सईद, ठीक है, रहमान, उनका बड़ा ताल्लुक था वहीदा रहमान के साथ, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड। तो जब भी कोई इंडिया से आता था तो उनको हम कहते थे, वो वहीदा साड़ी सिलेक्ट करके भेजती थी।
वंडरफुल। मैंने कोई 22 इकट्ठी की थी। वाह, मेरी बीवी ने सारी शलवार कमीज बना दी। यानी पहने बगैर पहली अटेम्प्ट में ही शलवार, एक भी नहीं पहनी। ओह, और इंडियन साड़ियां तो इतनी खूबसूरत। मेरी बड़ी ट्रेजेडी है। फिर ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।